तो आ गया सर, क्या बात है सर। तीन जम्पर में अगर मेरा ग्राफिक्स आ सकता है तो मैं क्यों सर सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। अरे सर बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, एक नंबर सोल्यूशन है। अगर तीन जम्पर में मेरा ग्राफिक्स आ गया सर तो मैं कभी भी सीपीयू रिवॉल्व करने भी नहीं। सर मेरा एक सवाल है, सीपीयू नहीं मिलन सर, ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं है, सारी रीसेट लाइन है। मैं हेलो मिलन सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। क्या चल रहा है बताइए। सर एक नोट 7 है जिसमें अच्छा। ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। अच्छा, और इसमें मैंने सर चेक किया अभी, आपने आने से पहले मैंने चेक कर रहा था। ये देखिए सर, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, हल्का लाइट आ रहा है। हल्का सा लाइट दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोस्तों, हल्का सा लाइट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो क्या है सर, मैंने चेक किया इसमें रीसेट की लाइन ओपन है। अच्छा, दिखाएंगे जरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, रीसेट की लाइन ओपन है और सर ये अपना जो सर लाइन है, ये जो लाइन है सर, ये रीसेट की लाइन है। अच्छा, और इसमें मैंने रजिस्टर को रिमूव किया सर। और रिमूव करने के बाद मैं आपको जीआर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं जीआर, बिल्कुल कहाँ पर लगाया आपने, लगाइए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सर। जीआर मुझे ले लो, ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जीआर मोड पे ले लिया है। मैंने सबसे पहले दूसरे का एक जीआर लेके चेक कर लेता हूँ, आ रहा है यहाँ पर। सीडी की जो रीसेट है सर, वो पूरी तरीके से लगा, फिर से लगाइए यहाँ पे, दिखाइए कहाँ लगाया आपने। ये देखिए सर, नीचे साइड। जी सर, देखिए सर। अच्छा, ऊपर साइड अपने सीपीयू के साइड आएगा। जी 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 जी, बिल्कुल ऑयल है। ठीक है, तो मिलन सर इसका क्या अभी करने वाले हैं आप? सर मैं इसका सीपीयू, मैंने डायग्राम में देखा कि सीपीयू के नीचे कहाँ जा रहा है। ठीक है, और मैं माइक्रो जम्पर करने जा रहा हूँ। माइक्रो जम्पर मतलब ये हो सकता है माइक्रो जम्पर भी हो। हाँ, हो सकता है सीपीयू रिवॉल्व करने से हो जाए या तो फिर 90% केसों में ये होता है कि माइक्रो जम्पर करना पड़ता है। तो माइक्रो जम्पर करने में क्या होता है सर, बहुत टाइम लगता है। तो आपको मैं बोलूं कि माइक्रो जम्पर मत करो, सीपीयू मत करो, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो। तो सर इसका और कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल सोल्यूशन है, तो आप वो सोल्यूशन एक बार करना चाहें? बिल्कुल सर, बताइए सर कैसा सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन इस बार अपन पूरे देश को भी देते हैं साथ में। जी सर बिल्कुल, ये सोल्यूशन अगर बिना सीपीयू रिवॉल्व किए हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत सारे हैंडसेट होते हैं जो पेस्टेडाइज होता है। हमें सीपीयू ड्रिल भी नहीं करना है। ड्रिल भी नहीं करना, सीपीयू ड्रिलिंग तो बेकार है, वो तो मतलब ये समझो कि शोबाजी है। हाँ, शोबाजी। स्टूडेंट को मतलब एक दुकानदार तो कभी सीपीयू ड्रिल करके फोन बनाना है तो सर, सीपीयू ड्रिल करने में भी बहुत रिस्क है। रिस्क तो बहुत ज्यादा है, और एक बार अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया बाय चांस, पूरा डाटा गया कस्टमर का, है ना, डाटा गया। और रही बात पेस्टेड आईसी की, तो सर पेस्टेड आईसी करने के बाद बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता नहीं। ऐसा कोई आपके पास शॉर्टकट तरीका है सर? देखो ये शॉर्टकट तरीका आपको देखते हैं, रीसेट सिग्नल बाईपास करने का। अब तक अपन ने बहुत वोल्टेज बाईपास किए हैं, आज अपन रीसेट सिग्नल बाईपास करेंगे। बट यहाँ अपन कुछ भी हिडन नहीं करेंगे, यहाँ अपन सब कुछ दिखाएंगे। जी सर, तो चलिए आते हैं, दिखाते हैं। बताइए सर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजे टेलीकॉम आपको एक बहुत अच्छा सलूशन देने वाला है, और ये सलूशन प्रैक्टिकल भी आप अटेंड करो और बहुत फ़ायदा होगा आपके सेटो, जो आप रीसेट लाइन बनाने के लिए बार बार सीपीयू निकालना पड़ता है, रिबॉल करना पड़ता है, या फिर आप बात करें उसको ड्रिल करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है मिलन सर, आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो ये LCM है, इस LCM से जो रीसेट लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सीपीयू से आ रही है, ये लाइन ओपन है। अगर मैं बात करूं अभी तो ये लाइन ओपन है, राइट सर? ये सर कोई जीआर ही नहीं दे नहीं दे रहा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने बोला है रीसेट सिग्नल बाईपास, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि एक मॉसपैड लेंगे, ठीक है? मॉसपैड सर, कौन सा मॉसपैड? मॉसपैड कौन सा मॉसपैड? तो अपन बात करते हैं यहाँ पर पी चैनल का मॉसपैड। दो चैनल कौन कौन से होते हैं मिलन सर? ये पी चैनल मॉसफेट है, और एक और कौन सा होता है? एन चैनल। तो ये खास तौर पे मतलब स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए कि पी चैनल कहाँ से लें और एन चैनल कहाँ से लें। अपन एक उनको ये भी बता देंगे कि कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? जी सर, मतलब कौन सी बोर्ड से ले, कौन से बोर्ड से ले सकते हैं, ये भी अपन बता देंगे, ठीक है? तो बेसिकली पी चैनल का मॉसफेट आपका लो सिग्नल पे काम करता है, मतलब जब इसका गेट लो होता है तब ये स्विचिंग करता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं,
पी चैनल का मॉसफेट लेने के बाद में अपन फिर से कनेक्टर पर जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं मिलन सर मेरे साथ में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक एलसीएम कनेक्टर पे कितनी रिसेट लाइनें होती है? दो रिसेट लाइन, दो रिसेट लाइन, एक टच का होता है सर और एक होता है एलसीडी, एलसीडी का एलसीएम रिसेट। अपनी कितनी ओपन है, कौन सी ओपन है? हम अपना जो एलसीडी की जो ग्राफिक्स आने वाला वो ओपन है, वो ओपन है। तो अपनी दो लाइन में से एक लाइन ओपन है, एक लाइन तो अपनी ओके होगी। तो आपने चेक किया था उसका जी आर वी आर, अगर अगर हम बात करें इसका जी आर हम चेक कर लेंगे। ये जो टच की टीपी रिसेट बोलते हैं जिसको, ये सर ओके है, ये ओके है। अपन एक बार फिर से दिखा देंगे इन लोगों को कि ये ओके है कि नहीं ओके। तो मतलब एक हमारी जो रिसेट है वो नहीं आ रहा है, पर एक जो रिसेट है वो आ रहा है। तो क्या करें अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पड़ेगा उठा के एक जंपर मारे तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा काम करेगा, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं बट अभी सिग्नल को ऐसे बाईपास नहीं कर सकते। नहीं सर, अभी तो मुझे नहीं पता था कि अगर इसको साथ इसको जोड़ देंगे तो फोन हो सकता है चालू ना हो। ठीक है, मतलब अनवांटेड फ्रिक्वेंसी। और प्लस क्या सिर्फ रीसेट सिग्नल यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आती है या कुछ और भी आता है? मतलब वोल्टेज भी आता है इसके रीसेट के साथ, वोल्टेज भी आता है 1.8। सो अगर हम एक जंपर भी मारेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, है ना? हमको एक जंपर के साथ 1.8 वोल्टेज भी देना पड़ेगा। तो सिग्नल को आप बाईपास कर सकते हैं बट सिग्नल को आप डायरेक्ट जंपर नहीं मार सकते हैं। आपने कॉम्पोनेंट के बेसिक नॉलेज में पढ़ा होगा कि जो सिग्नल को पास करता है, जैसे रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर, डायोड में कौन सा क्या कंपोनेंट है जो फ्रिक्वेंसी पास करता है? वो सर कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर है। तो हम क्या करते हैं मिलन सर, हम इसके पी चैनल के गेट पर एक सिग्नल भेजेंगे, गेट को सिग्नल देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये देखिए, अब आप पूछेंगे कैपेसिटर कितनी वैल्यू का, राइट? कितनी वैल्यू का होगा और कहाँ से होगा ये पूरा बताएंगे, सब कुछ वैल्यू बताएं इनको। ये 0.068 माइक्रोफैराड, बहुत छोटा कैपेसिटर है, वैल्यू है ना बहुत छोटा, क्योंकि ये वैल्यू वाल आपने देखा होगा इतना काम किया होगा, इतनी वैल्यू का कैपेसिटर शायद ही आपको पूरी मुश्किल से डायग्राम में एक दो ही मिले होंगे, एक दो मिलेगा। बट और एक चीज है सर, हम सॉल्यूशन तो बता रहे हैं हाँ, लेकिन ये भी बताएं सर ये कैपेसिटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमें ढूंढने में बहुत परेशानी होता है। ये हमको मिलेगा स्पीकर के सेक्शन में। आपने K318 आईसी कौन सी आईसी मुझे बताइए? ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी, ऑडियो एम्पलीफायर है। तो उसमें आपके ऑडियो के जो आउटपुट निकलता है और इसका इनपुट होता है, उसके बीच में सीरीज में कैपेसिटर होते हैं। जी सर, दो कैपेसिटर, दो कैपेसिटर होते हैं, इनपुट इनपुट पी, इनपुट एंड इनपुट पी। तो उसी में से एक कैपेसिटर हम निकालेंगे और वो किसी भी बोर्ड से निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई भी आईसी लगा रहेगा तो उससे कैपेसिटर निकाल सकते हैं, राइट जी। तो और हम क्या करेंगे फिर उसको हम किसके साथ जोड़ देंगे? गेट के साथ। अब ये जो टीपी का फोन को ऑन करेंगे तो ये जो सिग्नल है ये आपका तो सीपीयू उसको दे ही रहा है, साथ में फिर किसको देगा बताइए? ये देगा सर मॉसफेट के गेट को, मतलब उसको ऑन करेगा, ऑन करने की कोशिश करेगा। तो हम अब इससे स्विच करवाना है बट हमें 1.8 वोल्टेज चाहिए, तो हम इसके ड्रेन पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वोल्टेज भी देंगे। और ये वोल्टेज कितना होगा सर? 1.8। सर ये 1.8 क्या कहीं से भी दे सकते हैं? दो वोल्टेज तो वोल्टेज है, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि डीसी टू डीसी से ही दे या उससे, वोल्टेज कहीं से भी दे सकते हैं आप, उसको डिवाइडर से भी बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, सो आपको अपना 1.8 आना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट है तो आप एक बीच में सीरीज में हाई वैल्यू रजिस्टर लगा सकते हैं, मतलब 10K की रजिस्टर लगा सकते हैं, इसको बाईपास भी कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। हम बाईपास करेंगे, हम डायरेक्ट देंगे नहीं होगा तो एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगाएंगे। दोस्तों हम आपको हर एक चीज बता रहे हैं प्रैक्टिकली, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हम ड्रेन पे हमने क्या किया है, एक वोल्टेज दिया। अब ये चैनल पूरा, अब ये जो मॉसफेट है पूरी तरीके से ऑन होगा। अब क्या होगा कि यही सिग्नल एम्पलीफाई होकर, समझ में आ रहा है ना? तो ये बेसिकली अब मॉसफेट है तो आपको पता है ये स्विच होकर, अब डायरेक्ट नहीं जाएगा तो स्विच होकर ये पहुंच जाएगा आपके कहाँ पर, रिसेट लाइन पे। मतलब हम रिसेट का जंपर अब किसके साथ मारेंगे? पहले तो मैं एक मॉसफेट ले लूंगा, मॉसफेट ले लोगे आप? मॉसफेट लेने के बाद दो चीज ढूंढ लूंगा, एक 1.8 एक ढूंढ लूंगा मैं, जंपर मारोगे एक ढूंढ लूंगा मैं, रिसेट रिसेट मतलब टच की रिसेट, टच का रिसेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार दूंगा आपकी ड्रेन पे मार दूंगा 1.8 और गेट में मार दूंगा रिसेट, जो रिसेट मेरा ओके है। डायरेक्ट मारोगे कि बीच में नहीं, कैपेसिटर लगा के, कैपेसिटर लगा और इसके सोर्स को जोड़ दूंगा इसके साथ। हाँ, तो ये हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो मॉसफेट ऑन होने के बाद
मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, रिसेट। जो सीपीयू नहीं दे पा रहा है वो कौन देगा, सोर्स, मतलब मॉस्फेट का सोर्स देगा, और उसके बाद आपका क्या बनना चाहिए सर, ग्राफिक्स। तो ये कैसा लगता है आपको, मतलब देखने में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है सर। हाँ, बाकी सर मैं बताऊँ तो सर मेरे हिसाब से कि अगर हम इस तरीके से 1-2-3 जंपर मार के अगर काम कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों ये जो है हमने निकाली है, मैं ये कह सकता हूँ, पर हम आपको सलूशन दे रहे हैं। एसर टेलीकॉम के सब्सक्राइबर को और उसके स्टूडेंट को हमारा फर्ज है कि मार्केट में अगर कोई सलूशन है तो प्रोवाइड करा जाए। बिल्कुल, है ना, सलूशन सबके लिए है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक संस्था के लिए नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मिलन सर, मैं इसके थ्रू आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई नौसीखे बच्चा भी होगा जो बेसिक्स पढ़ चुका होगा थोड़ा हमसे या कहीं से भी, और अगर स्केमेटिक पढ़ रहा होगा तो कितना आसान होगा इस तरीके से समझने में, बताइए सर। सीक्वेंस वाइज इस तरीके से समझने में तो सर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल ओके समझ पाएगा, और वो एक ही बार में बिल्कुल कैच कर सकता है, एक ही बार में, उसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बनाए हैं और जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है सर, शानदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ एसर टेलीकॉम में अब आप जब आएंगे तो आपको हर एक सप्लाई, हर एक सिग्नल बूट सीक्वेंस, हर एक सेक्शन सीक्वेंस के साथ मिलेगा। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जैसे अभी आज की डेट में टीचर लोग का क्या हो गया है कि बोर्नियो उठाया, देखो 2 SDSCL चले गए, मतलब उनको ये खुद नहीं पता कि वो SDSCL कब जाएगी। अभी मान लो जैसे जाता ही है। अब मान लो जैसे कोई ऑडियो का आया सीन, बोला SDSCL चेक कर लो, सर वो तो नहीं आ रहा, ठीक है सीपीयू रिबॉल करो। अरे पहले ये तो चेक कर लो कि SDSCL कब आएगा, क्या पता उससे पहले जो है वही नहीं आ रहा हो और सीपीयू ओके हो। स्टेप चालू होता है, बिल्कुल, उससे पहले जो चालू नहीं होता है वो उसके बाद ये चालू नहीं होता। हाँ, और जब मतलब जैसे ए के बाद बी आएगा फिर सी आएगा, आप डायरेक्ट सी चेक करके कुछ मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले ए आना दो पूरा, कोई मतलब नहीं है, पहले बी चेक करना पड़ेगा, बी से पहले ए। तो जब तक सीक्वेंस में नहीं चलोगे तब तक नहीं होगा। और ये बोर्नियो सिखाएगा क्या सीक्वेंस? नहीं सर, ऐसा तो बोर्नियो नहीं सिखा सकता। और इस तरीके अगर मैं मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं डालूं और सिर्फ लाइन डाल दूं तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये डायग्राम मिलने के बाद भी कर पाएंगे क्या, बताओ सर? आप अगर लाइन डाल दें और वही लाइन जो है वो लाइन बोर्नियो के समान है। हाँ, बोर्नियो के समान है, बिल्कुल, वोल्टेज डाल दिए, रजिस्टर डाल दिया, सब डाला है, वो बोर्नियो के समान है। लेकिन अगर इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया है सर, एकदम शानदार है और समझने में बहुत आसानी होती है। तो इसी को कहते हैं एडवांस, और यही है मैंने क्या बोला, अपडेट रहोगे तो अपग्रेड रहोगे और अपग्रेड रहे तो अपडेट रहोगे। आइए चलिए मिलन सर, तो हम चालू करते हैं, आइए चलिए। बताइए सर, तो कहाँ से पहले मॉस्फेट लेंगे, कहाँ से आप कैपेसिटर लेंगे तो बताओ सर। हाँ, सबसे पहले मॉस्फेट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक iPhone 6 का बोर्ड है जिसे मैं मॉस्फेट लूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक मेरा मॉस्फेट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये हमारा 1-2-3 है। हाँ, गेट है ये एक नंबर, ये रहा सोर्स और ये रहा ड्रेन। ड्रेन हमेशा बड़ा होता है, इसको डबल टिक करो जरा एक बार तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है, और ये जो है पी चैनल मॉस्फेट है, पी चैनल का मॉस्फेट है। और क्योंकि सर इसकी जो गेट है सर ये हमेशा लो है, डाउन है, जिसके कारण यहाँ पे जैसे ही पी चैनल, जैसे ही सोर्स में वोल्टेज आएगा तो जैसे ही ड्रेन पे आएगा, हाँ ड्रेन पे वोल्टेज आएगा तो सोर्स में बाईपास हो जाएगा, ठीक है ना सर? तो ये पी चैनल का मॉस्फेट है, मॉस्फेट में, और इसको ऑन करने के लिए इसको गेट लो होना चाहिए, गेट लो होना चाहिए। कैपेसिटर कहाँ से लोगे सर? कैपेसिटर मैं लूंगा जो एक 5B की बोर्ड है। बाकी कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी बोर्ड से। सेक्शन बता दो आप। सेक्शन ऑडियो सेक्शन में अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर है ये सीरीज में है, मैं इसे डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये जो सीरीज में कैपेसिटर है ये दोनों कैपेसिटर से कोई सेम वैल्यू है जो मैंने बताया। हाँ जी सर, ये सेम वैल्यू है, ठीक है। तो सर करें आप। जी सर, मैं यहाँ पे दिखा देते हैं। जी ये
कॉम्पोनेंट निकाल के ये सब कर रहे हैं, तो यार इसकी क्या जरूरत थी, चीजें सीपीयू कर लेते हैं, इतने बेसिक नॉलेज लोग नॉलेज उठाने ही नहीं चाह रहे, वो तो सीपीयू पे ही काम कर रहे हैं, आईसी पे ही काम कर रहे हैं। सर टाइम ज्यादा जाता है, और दूसरी बात सीपीयू करने के बाद कस्टमर के डाटा लॉस्ट हो जाए, ऐसी भी हो सकता है, रिस्क का मामला। हाँ रिस्क का मामला है। अब क्या है, मैं बाईपास करके सबसे पहले तो कस्टमर को डाटा दे दूँ, कस्टमर की इसमें जो है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो पहले मैं डाटा दे दूँ फिर मैं आगे सीपीयू रिवॉल्व कर दूँ। सर ये टच की रीसेट पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर को लगा देता हूँ। तो आप डायरेक्ट इसी के साथ लगा जी। अब सर मेरा यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे एक 1.8 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना सर, उस साइड ये सर ये 1.8 आ रहा है, तो 1.8 को उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा, ड्रेन पे डाल रहा हूँ। मैं ये जो कैपेसिटर लगाया हूँ इस कैपेसिटर की लाइन को यहाँ पे डालता हूँ सर। अब सर जो जो हमारा लाइन ओपन था, जो लाइन ये रीसेट की लाइन एलसीडी की, ये सोर्स में डाल देता हूँ सर। मतलब जो सीपीयू से आ रही है वो आप टच से दे रहे हैं? जी सर टच को आप जिस तरीके से बताए उसी तरीके से एम्पलीफाई करके मैं दे रहा हूँ। तो सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ये लाइन ओपन था मेरा, ये सीपीयू से जीआर नहीं आ रहा था,
तो मैंने सबसे पहले एक मॉसफेट लिया जो एक सिरा सोर्स का है, ये जो सिरा है गेट का है, ये जो सिरा है ड्रेन का है, ठीक है सर। तो सबसे पहले मैंने ये ड्रेन पे जो है सर 1.8 वोल्टेज डाला जो यहाँ से जम्पर लिया हूँ मैं, और ये जो है गेट पर टच की जो रीसेट लाइन है वो जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और टच को जो रीसेट लाइन डायरेक्ट नहीं जोड़ा हूँ सर, एक कैपेसिटर से जोड़ा हूँ जो आप बताए जिस जहाँ से लेना है, जो रीसेट लाइन है जिस हिसाब से जो वैल्यू बताए उसी हिसाब से मैंने लिया। और उसके बाद ये जो सोर्स है, सोर्स की लाइन मैंने जोड़ दिया जहाँ पे मेरा जीआर नहीं आ रहा था। हम कैपेसिटर को आपको जूम करके दिखा देते हैं। जी सर, ये वाला कैपेसिटर सर, खुला लगा दो उस पर एक। ये कैपेसिटर है सर, और जो लाइन ओपन है ये लाइन ओपन है सर, देख लो लाइन ओपन है। हाँ जी सर, और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जम्पर लगाया एक मॉसफेट के थ्रू जो पी चैनल मॉसफेट। तो क्या इस पे जीआर आएगा क्या? नहीं सर, इस यहाँ पे कोई जीआर नहीं है। एक बार चेक करके दिखा दो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि आपने वो लाइन को ओपन की, आपने बना दिया। नहीं नहीं सर, अभी भी कोई जीआर नहीं है, मैं आपको दिखा दूं। ये देख सकते हैं, तो देखो डायोड वैल्यू, डायोड मोड। हाँ, अब मैं ग्राउंड को ग्राउंड में रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो अपना ये है वहाँ पे भी कोई जीआर नहीं है, सामने यहाँ रखा हुआ है। और ग्राउंड में लगा लेता हूँ सामने, दिखा दीजिए सर थोड़ा सा, ये इधर देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड ले लिया, ठीक है सर, यहाँ पर यहाँ रही है, कोई जीआर नहीं है, और देखो रेड वाला ग्राउंड रखा, ठीक है। तो जीआर नहीं, अभी बार दिखाओ जरा सर, अब देखता हूँ काम सक्सेस हुआ है कि नहीं, ठीक है। आप जिस हिसाब से बताए हैं, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था, अरे सर ग्राफिक्स तो आ गया सर, क्या बात है सर, तीन जम्पर में अगर मेरा ग्राफिक्स आ सकता है तो मैं क्यों सर सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। अरे सर बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, एक नंबर सोल्यूशन है, अगर तीन जम्पर में मेरा ग्राफिक्स आ गया सर तो मैं कभी भी सीपीयू रिवॉल्व करने भी नहीं। सर मेरा एक सवाल है, सीपीयू नहीं मिलन सर, ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं है, सारी रीसेट लाइन। मैं वही सर पूछने वाला था, मेरा सवाल था कि सर हर रीसेट लाइन की बाईपास कर सकते हैं क्या? जहाँ जहाँ रीसेट लाइन आता है, अब रीसेट लाइन कहाँ कहाँ है, जैसे ऑडियो का, जैसे ऑडियो की रीसेट लाइन है, टच का रीसेट लाइन है, टच नहीं आएगा तो हम ग्राफिक्स से दे देंगे, ऑडियो का नहीं आया तो ग्राफिक्स से दे देंगे, तो ले देखिए जहाँ जहाँ रीसेट है बिल्कुल चेंज कर सकते, बिल्कुल इसी तरीके से बाईपास होगा, इसी तरीके से बाईपास, और कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं होगा, बस यही होगा। सेम सेम सर, बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं ग्राफ। अरे सर क्या बताए, दिखा दो वहाँ पर, ये सर मैं दिखा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये देखिए सर, ये देखो दोस्तों कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में है, और ये हमने बिल्कुल खोल के हर चीज पहलू के साथ स्टूडेंट के सामने रखी है। एक सोल्यूशन है जो इंडिया में घूम रहा है, बिल्कुल हिडन, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हिडन रहे, हम चाहते हैं कि लोगों को पता चलता रहे, कि क्योंकि ऐसा लोगों को लगेगा कि ऐसा टेलीकॉम को कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना सर, हम तो सब देते हैं, बाकी सर यही है क्लास में कि और ज्यादा है सर, ये कुछ भी नहीं है सर। आपको जैसे मैंने बताया पीपीटी जैसे प्रेजेंटेशन से आप सोच रहे पढ़ाया जी, था जी, वो कैसा लगा आपको? अरे सर बहुत शानदार है, उसी तरीके से अगर हम सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और अभी क्या है मार्केट में, हर तीसरा आदमी एक टीचर है आप जानते हैं। अरे सर और दुकानदार टीचर है, टीचर है, बट वो टीचर उनका जो दम है ना वो सिर्फ बोर्नियो है जी सर, आप जानते जी 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 बोर्नियो, उनको बताया सामने बोर्नियो का और हार्डवेयर सॉल्यूशन, सामने बैठा नौसिखिया बच्चा से बोर्नियो से चार लाइनें बताओ, पर उनको ये नहीं पता है कि वो बोर्नियो में भी चार लाइनों का सीक्वेंस होता है। बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप चालू होता है, ऐसा नहीं है कि सारी लाइन एक साथ ही चलने लग गई, नहीं एक साथ तो कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एक साथ कोई भी चीज एक साथ चालू नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, आप कोई भी चीज चालू करो तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपकी कंप्यूटर की पीसी अगर चालू करो तो पावर स्विच लेने के बाद वो धीरे 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 ओपन होता है स्टेप बाय स्टेप, पहले पावर लेगा फिर क्लॉक बनाएगा, अलग अलग सीक्वेंस है, उसी तरीके से हमारी बूट सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं है, हर चीज का सीक्वेंस है, हर चीज का सीक्वेंस, जैसे टच की है सबका, जैसे अभी अपन ग्राफिक्स का भी समझा सकते हैं, तो ये तभी तो अपने स्टूडेंट इतने जोश में होते हैं, इतने जल्दी सीखते हैं, यही तो रीजन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, कैसा लगा ये सलूशन? एक नंबर सर, ये देख सकते हैं फिर से मैं और एक बार ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अब इसी ग्राफिक्स के लिए पूरा सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता जी सर, मैं और तो सबसे ज्यादा रियलमी ओप्पो, सबसे ज्यादा ओप्पो वीवो वन प्लस में भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है सर, रीसेट की लाइन ओपन हो जा रही है। और आपने कितने बनाई है? बहुत बनाया हूँ, बहुत बार बनाया हूँ सर जम्पर मार के, लेकिन सर मेरे को लगता है कि तीन जम्पर मारने में अगर मेरा काम बन जाता है एकदम परफेक्टली,
तो मुझे नहीं लगता सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि कस्टमर तो पीसीबी में कोई काम करेगा नहीं, नहीं सर, उसको अच्छे से यूवी ग्लू से अपन प्योर करके अपन ढक से देख सकते हैं, राइट जी सर, जी 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 बिल्कुल, अभी तो कस्टमर को दे दूंगा वो डाटा निकाल लेगा उसके बाद अपना सीपीयू रिवॉल्व। अच्छा मिलन सर, अभी आपकी आगे कौन सी क्लास है? आगे सर बैकअप की क्लास है। कितनी कौन सी तारीख को बैकअप रहता है? मेरा बैकअप रहता है 25 और 26 को, और एक रहता है 10 और 9 को। 9 और 10 को। हाँ, ये अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी है कि आप रहते हो कि नहीं रहते हो, बाकी 25 को ऑलवेज रहता ही है। ऑलवेज ऑलवेज। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों इतना बैकअप दे रहे हो आप यार, मतलब एक साल में कोई इंस्टीट्यूट दो बार बुलाता है, तीन बार बुलाता है, आप मेरे ख्याल से 24 बार बुला रहे हो एक महीने में, सर मतलब 24 बार क्यों? सर देखिए सर, इस लाइन में अपडेट होना बहुत ज़रूरी हाँ। है, नया नया चीज़ देना स्टूडेंट को ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सारा चीज़ दिमाग में लेके नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हम वापस बुलाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारा कन्फ्यूजन क्या है और तुम दुकान में बैठने के बाद कहाँ पर अटक रहे हो, और वही चीज़ को सर क्लियर करवाते हैं। सही है। ये हमारे मकसद रहता है। कितने पैसे चार्ज करते हैं सर? इसके लिए कोई फीस नहीं है, बस जो स्टूडेंट तो आप अपना ज्ञान जो ये अपडेट हो रहे हो, जितना भी नया नया ले रहे हो, वो सब फ्री में दे रहे हो स्टूडेंट को? फ्री में, फ्री में। क्यों क्यों सर? एशिया टेलीकॉम पैसा कमाओ ना, बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी तो बोलते हैं दो महीने बाद फिर से पैसा, मुझे तो तीन महीने की मेरी मेहनत का पैसा चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। नहीं सर ऐसा है सर, एशिया टेलीकॉम अगर किसी स्टूडेंट के साथ एक हाथ एक बार थामा है तो जिंदगी भर वो नहीं छोड़ता है सर। स्टूडेंट का भी हक है और स्टूडेंट को भी फर्ज है कि उसको भी हाथ थामे रखना जरूरी है, और धैर्य और पेशेंस के साथ एक आदमी के साथ चलना है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। दो दो जन का हाथ पकड़ के कभी रोड पे चल सकते हैं? सर नहीं चल सकते, दो नाव में पैर रखेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे और गिर जाएंगे सर। तो यही कहना चाहेंगे मिलन सर की, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको अपडेट लेना है तो 25 तारीख का बैकअप एमडी सर को कॉल लगाओ और अपनी बैकअप की फ्री की सीट बुक करो और इसे टेलीकॉम के साथ जुड़ो जीवन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।